हेलो जी, हेलो, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो अभी जो आप हमको देख रहे हैं, तो अभी हम सो के उठे हैं और देखते हैं आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं। अभी जो हम दार्जिलिंग घूमने के लिए आए हुए हैं, तो देखिए क्या मस्त नजारा है। तो अभी सुबह सुबह का मौसम हो रहा है, अभी हम अपने होटल में यहाँ रुके हुए हैं। इधर देखिए क्या मस्त का नजारा है, क्या बादल, क्या सीन है भाई साहब, वो मजे मजे। अब हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना कहीं घूमने के लिए जाया जाए। तो हम फटाक से अभी रेडी होंगे, उसके बाद फिर जाएंगे घूमने के लिए। और हमारे साथ साथ ये लोग देखिए इधर नहा धो के पूरा एकदम तैयार हो चुका है। बहुत ठंडी लग रहा है लोग को, फिर भी लोग नहाने के लिए तैयार है। तो चलिए अभी रेडी वगैरह होते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आज का पूरा ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम हो गए हैं तैयार, हमारे साथ साथ हमारा पलटन लोग भी सब तैयार हो गया है। इसको भूख लग गया देखिए, अभी है, अभी तो सुबह दिन का शुरुआत हुआ है। ये उजला उजला पहन के का साबित करना चाहते हैं बताइए। आई एम हैंडसम। आई एम क्या होता है? आई एम हैंडसम होता है। तो देखिए हमारे साथ साथ कुछ अनर्थ लोग भी है, और देखिए कैसे खा रहे हैं इसका भी देखिए। दार्जिलिंग में आके क्या खा रहे हैं आप? पूरी सब्जी, पूरी सब्जी। आप दार्जिलिंग आए कि डार्लिंग आए, कहाँ है? आए हैं तो दार्जिलिंग, लेकिन यहाँ का माहौल पानी लग रहा है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में। और क्या क्या करना चाहते हैं आप यहाँ पे? तो अभी और भी कुछ मजे वाला पॉइंट है जो अभी हम अभी नहीं, अभी थोड़ा बने रहिए, आगे जाके दिखाएंगे। अभी अभी लोग क्या क्या कांड करने वाले हैं सब दिखाएंगे, कर चुका है पूरा वीडियो देखिए। अभी आगे दिखाएंगे क्या कांड किया है इन लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे रूम वूम को लॉक करते हैं फटाफट से। फाइनली हम लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी को रिजर्व करते हैं। बस ड्राइवर साहब हम लोगों को लेके जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोगों का यही गाड़ी मिला हुआ है। अब हम लोग यहीं पे बैठेंगे इसी गाड़ी पे। सुल्तानगंज हमारा लोग का घर उधर ही होता है। हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं। लोकल मार्केट देख सकते हैं अभी यहाँ पे, इसको यहाँ पे चौक बाजार बोलते हैं। हमारे मामा को इतना जगह पसंद आ गया है कि इन्हीं लोग से पूछते हैं। देखिए अभी यही लोग बताएंगे क्या क्या बोल रहे थे जी। ये बोल रहा है ताजीन, काश कोई मुझे मिल जाए, मैं यही शादी करके यही बोल। नीचे है तो बुच्चा बस्ती में मुस्लिम लोग बहुत है। किधर किधर में वो आपका जो भुजे का थोड़ा आगे में, तो इधर शादी हो जाएगा हमारे लोग का। आपका जिला दिखा है। अच्छा बसा हुआ है, शादी वाला जो पार्ट था वो मजाक था गाइस, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। रियल रियल है, रियल रियल। अब इन लोगों का पता नहीं क्या है, नहीं झूठे बोलते ये बात है। मालूम है ना कौन लड़का है, झूठ बोलता है क्या नहीं, सच बोलता है, मालूम है ना, चश्मा। अभी हम लोग दार्जिलिंग के जाम में फंसे हुए हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं ड्राइवर साहब? टी गार्डन। टी गार्डन, अभी हम टी गार्डन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अभी वेदर बहुत खराब हो रहा है यहाँ पे, मतलब पूरा बारिश वारिश होने का सीन हो रहा है, मतलब पूरा कोहरा कोहरा हो चुका है। दिखा रहा हूँ आपको, देखिए सामने दिख रहा होगा, इसको फॉग बोला जाता है, मतलब फॉग हमारे यहाँ जिसको कुआसा में बात करते हैं हम लोग, देख सकते हैं पूरा एक नंबर। अभी हम लोग पहुँच गए हैं टी गार्डन, क्लाउड हो रहा है यहाँ पे, हल्का हल्का बूंद बूंद सा बारिश हो रहा है, पता नहीं ज्यादा होगा नहीं होगा। अब जैसे मौसम देख सकते हैं क्या क्लाउडी हो रहा है। अभी जैसे मैं आगे आता हूँ ना, यहाँ पे मेरा देख ना, मेरा दिमाग फटा का फटा रह जाता है गाइस। आप देखिए यहाँ पे क्या मस्त का जा रहा है, अच्छा वाला पता है, बेस्ट क्लाउडी हो रहा है भाई। चारों तरफ से देखिए पहाड़ को किस तरह से घेर लिया है, बेस्ट व्यू है भाई, ब्रो बेस्ट। टी गार्डन का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो अभी इनको पहनाया जा रहा है। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है। अरे देखिए आपका दोस्त कैसा हो गया? या हबीबी, ये लड़का का यहाँ से डबल से निकाह हो रहा है। हबीबी कैसा आपको फील? कभी भी निकाह कबूल है? कबूल है। कैसा आपको फील होती? पजामा नहीं जाती। बहुत ही मजा कर रहा है। अभी अंकल कपड़ा वगैरह पहन के आगे भाग गए, और मेरे को भी बोल रहे हैं कि तुम भी कपड़ा पहन लो, लेकिन मेरे को इन सब चीजों में उतना मजा आता नहीं है। मैं सोचा क्यों ना इन्हीं को पहनवा दूं, और मैं इनसे पूछता हूँ कैसा फील हो रहा है। निकाह कबूल है माँ, मुझे हमारे इनका बहुत मजा, बहुत मजा ले रहे हैं। कबूल है अभी भी। टी गार्डन देखे, घर बना हुआ है। यहाँ पे हमारे चाचा जी डलिया ले रहे हैं ताकि फोटो खिंचवा सके, और हमारे पीछे देख सकते हैं कितना मस्त नजारा है। हाय बेबी कम टू। अब यहाँ से हम लोग चल दिए अपने
गाड़ी की तरफ, क्या कि हम लोगों को और भी यहाँ से 4-5 पॉइंट और कवर करना है। तो हमारा ये टी गार्डन कवर हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे जगह पे। तो देख सकते हैं क्या मस्त व्यू है, अभी बारिश हो रही थी, अभी देखिए यहाँ पे धूप पड़ रहा है और देख ही सकते हैं मौसम बहुत ही सुनहरा हो रहा है। ये मामा हमारे पास दौड़ते हुए मेरे पास आ रहे हैं और हम लोग चलेंगे अब दौड़ते हुए, हम भी चलेंगे। कैसे कि सोच रहे हैं जितना जल्दी कवर कर सके कर लें। बैठ गए हम लोग, अभी हम लोग पहुंच गए हैं चेंजिंग रॉक। यहाँ पे जैसे कि छोटा सा एक माउंटेन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग माउंटेन की चढ़ाई भी कर सकते हैं। और हम लोग सोचे यहाँ जब घूमने आए तो क्यों ना कुछ खरीद लिया जाए, तो सोचे क्यों ना इस दीदी से चाय पत्ती खरीद ले, यहाँ का जो फेमस है चाय पत्ती। तो यहाँ पे से हम लोग यहाँ पे चाय पत्ती ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चाय पत्ती ले लिए, यहाँ पे पेमेंट वगैरह करेंगे और यहाँ से निकलेंगे अपने गाड़ी की तरफ। अब यहाँ से चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अब नेक्स्ट, अब दो पॉइंट है, कहाँ कहाँ हिमालय माउंट जोरन इंस्टीट्यूट और जो आपका एक हिट होंगे दो है। आ चुके हैं हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, यहाँ से फिर ये रूट से मेरे को ऊपर जाना है। फाइनली हम लोगों को जहाँ तक आना था बहुत चढ़ाई के बाद हम लोग आ चुके हैं हिमालयन जूलॉजी पार्क। अभी जा रहे हैं हम तीन आदमी का टिकट लेने के लिए। इन लोग हमारा फोटो नहीं लेता है, बेटू लड़कू के चला गया टिकट लेने के लिए। फाइनली हम लोग 3 टिकट ले लिए हैं 3%। तो फाइनली दोस्तों हम टिकट लेकर इंटर प्रवेश कर चुके हैं, बाकी और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। पर पर्सन 110 रुपए का टिकट था, हम लोगों ने लिया, ये रहा मेरा टिकट। और यहाँ पे मस्त सा म्यूजियम है और बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए। इसको घोड़ा और गधा और हिरन में भी फर्क नहीं समझ में आ रहा गाइस। बाकी का मैं अभी आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ के म्यूजियम में, बाकी का दिखाता हूँ म्यूजियम में और क्या क्या सब सीन है। हमारे साथ दो आदमी और है, तो एक आदमी का कुछ पता ही पता नहीं है, वो अपनी दुनिया में व्यस्त हो चुके हैं। हम लोग अब चढ़ने का कोशिश करेंगे इधर एडवेंचर। हम लोग बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम आए हुए हैं। ये सब पुराना पुराना पक्षी वगैरह है, सबका रख रखा है, बना रखा है इन लोगों ने। अभी ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर के साइड ऊपर भी कुछ है शायद, ऊपर जा रहे हैं। ये आदमी है इतना परेशान है फोटो खिंचाने के लिए, क्या बोले। अभी तक मेरा फोन में ना समथिंग 1000 के अराउंड फोटोज हो चुका होगा सिर्फ आज का, जो देख रहे हैं ना समथिंग इसका 500 फोटोज क्लिक हो चुका होगा। म्यूजियम वगैरह विजिट करने के बाद अब हम लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब हम लोगों को घर जाना है, मतलब रूम पे, उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हमारा ट्रेन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कर लीजिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी एक नए एपिसोड के साथ और एक नए एडवेंचर के साथ, जब तक के लिए कर लीजिए हमको सब्सक्राइब दोस्तों।